हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट होने के बाद अपनी टिगोर पे चाह रहा था एक रिव्यू दिखाने का, एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो कि मैंने पिछले जुलाई 2021 से ओन करके गेन किया है इस गाड़ी के साथ। तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो ये है अपनी गाड़ी, डीप रेड कलर में मैंने लिया था इसको, और ओवर टाइम कई सारे स्टिकर्स भी लगाए हैं। इसके मैंने जो लैंप्स हैं, हेड लैंप्स, वो भी चेंज कराए हैं। उसके अब मैंने एजूम के हेड लैंप्स लगाए हैं इसमें, जो कि पहले कंपनी फिटेड थे, उसके बाद नाइट आई के लगाए थे, बट दे सीम टू बी वेरी पुअर, सो उनको चेंज करके एज्यूम एक जर्मन ब्रांड उसके लगाए हैं। व्हील कैप्स भी चेंज है, जो कि लोगों ने शायद प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। और असली चेंज तो अंदर आया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक 10,613 किलोमीटर चला लिया है। एंड इफ यू आस्क मी, द वन थिंग दैट रियली स्टैंड आउट इज इसका बिल्ड क्वालिटी। मतलब आई एम श्योर पढ़ा तो आप लोगों ने होगा ही, लेकिन चलाते वक्त सच में पता चलता है कितना रोड से प्लांट होके चलता है ये गाड़ी। और कोई भी कॉर्नर्स में कभी भी आपको आउट ऑफ कंट्रोल या कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी बेसिकली लाइन में नहीं चल रही है। और इसके अलावा आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये BMC एयर फिल्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टिकर एक नए एयर फिल्टर के लिए है जो मैंने इसमें गाड़ी में लगाया है। आई हैव चेंज्ड द स्टॉक एयर फिल्टर टू BMC, और उससे सर्टनली पिकअप में फ़र्क तो पड़ा है मैं कहूँगा। चलाने के बाद ही आपको बोल रहा हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी में कम से कम 5-6% फर्क पड़ा है, एंड द सेम गोज फॉर पावर। बेसिकली द कार इज मूविंग अ लॉट मोर स्मूदर नाउ एज कम्पेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू अर्लियर। नॉट दैट स्टॉक कोई खराब ऑप्शन है, बट मुझे थोड़ा स्मूथनेस चाहिए था तो इसलिए ऐसा कर लिया। गाड़ी का अपहोल्स्ट्री चेंज कराया है, और ये करोल बाग में ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे इसका काम करवाया, साथ में एम्बियंट लाइटिंग भी करवाया। जो सीट कवर थे वो मुझे पड़ा 6,500 का, और एम्बियंट लाइटिंग रफली द सेम प्राइस, प्रोबेबली अबाउट 7,000। एंड ऐसी दिख रही है गाड़ी अब। एक काफी सोचने के बाद इसमें मैट्स भी चेंज कराए मैंने। अब ये 70 मैट्स हैं, तो दे ऑब्वियसली दे लुक मच बेटर। मैं श्योर नहीं था कि जो लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं, सच में ऐसा लगेगा कि नहीं। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पेडल्स के पीछे स्पेशली द क्लच, उसके पास ये कभी कभी अटक जाता है, बट आई डिडंट फील एनीथिंग लाइक दैट। सो इट्स अ गुड, आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। 2,500 रुपये लगे थे, 2,800 लगे थे एक्चुअली, तो ये काफ़ी अच्छा है। और आप इसका लुक एंड फिनिश भी जैसे देख ही सकते हैं इन 70 मैट्स का। अगेन ये भी ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम का ही की ही देन है, तो मैं आप लोगों को मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस गाड़ी का आज हम ड्राइव रिव्यू भी आपको करके दिखाते हैं। तो आई वुड हियर लाइक टू टेल यू दैट ओरिजिनली मैं इससे पहले मैं ऑल्टो K10 चलाता था, तो ऑब्वियसली छोटी गाड़ी थी, तो उसका जो ड्राइविंग पोजीशन था वो इससे काफी नीचे था, तो वो ज्यादा ऐसा लगता था कि जमीन से चिपक के चला रहे हैं। बट ये गाड़ी में जो ड्राइविंग पोजीशन है, इट्स मोर एन SUV टाइप ऑफ पोजीशन, तो आपको आप सड़क से काफी ऊंचे चलते हैं, सो ऐसे चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है जब आप पहली बार टाटा टिगोर चलाना शुरू करते हो। पिकअप तो सारे गियर्स में ही अच्छा है, देयर इज नो पर्टिकुलर गियर इन विच इट इज स्लो, बट मे बी आई कैन से दैट थर्ड गियर में कंपैरेटिवली उतना अच्छा पुल नहीं है, बाकी गियर्स में ज्यादा अच्छा है।
कभी कभी सेकंड गियर लगाने में भी थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता है इसको गियर को जगह में स्लॉट करने में, बट आई गेस वो आदत की भी बात होती है। एक बार आपको आदत पड़ जाए तो यू वुड नॉट रियली फील दैट इतना ज्यादा मेहनत लग रहा है। बट ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा था, बीएमसी एयर फिल्टर से इसके पिकअप में तो काफी फर्क पड़ा है, मतलब हर गियर में अब गाड़ी ज्यादा पुल कर पा रही है कंपैरेटिवली। दिस इज नॉट अ टर्बो इंजन, दिस इज अ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, लेकिन उसके बावजूद टाटा ने गियर्स काफी अच्छे से ट्विक किया है एंड इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी रखी है। इनफैक्ट मेरे को आई वुड से सिटी में रफली 15 टू 16 मिलता है एंड व्हेन आई गो ऑन हाईवेज देन द एफिशिएंसी इज क्लोजर टू 20। अभी ये फिल्टर लगाए हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, करंटली एमआईडी के हिसाब से ऑलरेडी वो हायर फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, तो व्हेन आई एक्चुअली गो ऑन अ लॉन्गर रोड ट्रिप देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्ट फिगर्स में कितना फर्क पड़ा है। बट मुझे ये कहा गया था फिल्टर लगाने से पहले कि ये फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बेटर जरूर होगी बिकॉज द एयर इनटेक विल इम्प्रूव, तो नेचुरली जब वो ज्यादा एयर लेगी नॉर्मल फिल्टर के कंपैरिजन में और उससे फ्यूल एफिशिएंसी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है। अब मैं कंपैरेटिवली लोअर गियर्स में हायर स्पीड ले पा रहा हूं, तो जहां पे पहले मुझे उस पॉइंट पे मुड़ने के लिए सेकंड गियर लगता था, अब उसी जगह में गाड़ी थर्ड गियर में पुल थ्रू कर रही है। क्रूजिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, एक जो सॉलिड स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आती है कि ये गाड़ी इतनी सेफली चल रही है अपने रास्ते पे, वो मुझे कम ही गाड़ियों में इससे पहले कभी मिला है, कंसिडरिंग दैट मोस्टली मैंने मारुति ही चलाया है, तो उसी कंपैरिजन में स्टेबिलिटी काफी जबरदस्त है इस गाड़ी में। समटाइम्स आई थिंक दैट टाटा वुड हैव डन वेल टू एड क्रूज कंट्रोल टू इट ऑल्सो, बट यू कैन इमेजिन कि इस सेगमेंट यानी कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल डाल देने से गाड़ी काफी महंगी हो जाएगी। मारुति ओन करने वाले जो मेरे व्यूवर्स है उनको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमेशा सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी की खातिर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी को एंजॉय करके भी चलाएं, गाड़ी का एक्सपीरियंस लेके चलाएं। सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी अगर करना हो, ऑफ कोर्स ये गाड़ी अच्छे से ट्वीक्ड है, थ्री चलाना पड़ता है, बट यू कैन इमेजिन कि दिल्ली के ट्रैफिक और कहीं के भी ट्रैफिक फॉर दैट मैटर में हमेशा आदमी लाइट फुट में तो नहीं चला पाएगा ऑब्वियसली, तो ओकेजनली फिर आपको कभी कभी जल्दी भी हो सकती है, तो नहीं हो सकता ना हमेशा लाइट फुट पे। सर्विसिंग के लिए काफी लोग कंप्लेन करते हैं कई बार कि टाटा मोटर्स में उनको उससे सबसे सर्विस नहीं मिला, आई वुड से आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे साथ तो नहीं हुआ है। हाँ ये जरूर है कि कोई भी चीज आपको करवाना हो तो उनके थोड़ा सा पीछे जरूर पड़े रहना पड़ता है, और जो आपने कहा है वो एक्चुअली करके दे जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे मेरे घर के पास तो नोएडा में सेक्टर 5 में सागर मोटर्स है जहाँ पे मैं इस गाड़ी को ले जाता हूँ सर्विसिंग के लिए, और 3 सर्विसेज हो चुकी हैं, सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस आफ्टर दिस। ब्रेकिंग में इस गाड़ी में एबीएस विद ईबीडी है, तो यू विल नेवर फील दैट इसका स्टॉपिंग पावर कुछ कम है। एक दो बार पैनिक ब्रेकिंग में मुझे ब्रेक करना पड़ा है, बट आई नेवर फेल्ट दैट द कार वॉज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। आई वुड सजेस्ट दैट इस गाड़ी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब टाइम टू टाइम बाकी ओनर्स से नेटवर्क करने के लिए आप फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल टिगोर ओनर्स क्लब इंडिया TOCI जिसका मैं मेम्बर हूँ। इट इज क्वाइट हेल्पफुल एंड पता चलता रहता है कि एक तो कंपनी से क्या अपडेट्स आ रहे हैं, और दूसरा अगर आपकी गाड़ी में स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट विद द कम्युनिटी देयर। आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। और जब आप टाटा टिगोर लेते हो, इनफैक्ट इवन टाटा टियागो फॉर दैट मैटर, तो आपको मिलता है हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम विच इज जस्ट टू गुड। आई मीन इस सेगमेंट में यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में या इवन
हैचबैक जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है इनमें इस क्वालिटी का साउंड सिस्टम तो नहीं आता। इनफैक्ट आपको कोई भी आफ्टर मार्केट फिटमेंट यानी कि कोई एम्पलीफायर कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा ट्वीटर्स लगा लें तो प्रोबेबली द साउंड गेट्स अ लिटिल मोर क्लियर है, थोड़ा अच्छी सी झंझनाहट आती है आवाज में, लेकिन अदरवाइज ये देखिए मैं थोड़ा सा प्ले करके सुनाता हूँ आपको। था मेरा ये शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव रिव्यू अबाउट 10,600 किलोमीटर्स ऑन द टिगोर। मैं कहूँगा इट इज जिसको जिसको स्टेबिलिटी चाहिए और जिसको लॉन्ग रूट में जाने का शौक है, आई मीन विदाउट वरिंग अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दिस इज डेफिनेटली वेरी गुड कार टू बाय। ये जब मैंने खरीदा था एक साल पहले, ये मोर ऑर लेस गैम्बल ही था मेरे लिए, क्योंकि आई डिडंट नो मच अबाउट द ब्रांड ऑनेस्टली। पढ़ पढ़ के ही और वीडियोस देख देख के ही जो समझा था वो समझा था, लेकिन अब इन हाइंडसाइट डेफिनेटली लगता है कि ये एक अच्छा ब्रांड था और ये अच्छा ब्रांड है रादर। और उसके बाद से तो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले मुझे टिगोर एक भी नहीं दिखता था, एक भी नहीं दिखती थी रास्ते में, और अभी अभी सड़क पे हर दूसरी तीसरी तो नहीं कहूँगा खैर, पर 10-12 गाड़ियों में एक बार एक टिगोर ज़रूर दिखती है। एंड अब तो इलेक्ट्रिक, इट्स यू नो इट्स द ओनली व्हीकल जिसमें इलेक्ट्रिक CNG एंड पेट्रोल तीनों आते हैं। सो या वेरी हैप्पी, सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।